पाकिस्तान में नवंबर में होने वाला सार्क सम्मेलन टाल दिया गया है। भारत के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इसे पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत की बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि फैसले का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उरी हमले के बाद एक भारत के कड़े कदमों से अब दुनिया भी पाकिस्तान के रवैये की आलोचना कर रही है। अमेरिकी अखबार ने भी पाकिस्तान के रुख की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के संयम को हल्के में नहीं ले सकता। अखबार लिखता है कि अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के प्रस्ताव को खारिज करता है तो वह पूरी दुनिया के लिए एक अछूत देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे अब केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय श्री, श्रीमान या माननीय जैसे संबोधन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। दरअसल खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही केंद्र के सभी मंत्रालयों को ये निर्देश जारी किए हैं। बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधार के लिए बनी लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बोर्ड क्रिकेट में सुधारों के लिए अपनी सिफारिशों को लागू नहीं कर रहा है। कमेटी ने इस पर तुरंत सुनवाई करने की गुजारिश की है। वहीं पैनल ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण पद से बर्खास्त करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस समर्थकों और एसपीजी के जवानों में झड़प हो गई। दरअसल समर्थक राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें रोक दिया, जिस पर बवाल हो गया। ये सब राहुल गांधी के सामने हुआ। रोड शो के दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ। बाद में राहुल समेत बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रमुख सुब्रत राय की पेरोल बढ़ा दी है। अब सुब्रत राय 24 अक्टूबर तक जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राय से इस समय अवधि में 200 करोड़ रुपए जमा करवाने को भी कहा है। त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मियों को इस साल भी 78 दिन का उत्पादकता बोनस मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। रिटायर्ड चीफ जस्टिस मार्केन कारजू बिहार के खिलाफ बोलने से रुक नहीं रहे। लगातार बिहार और बिहारियों का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके खिलाफ जदयू ने केस भी दर्ज कराया है, लेकिन फिर उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर नीतीश कुमार को जवाब देते हुए लिखा है कि मैं बिहारियों का माई बाप नहीं हूं, लेकिन शकुनी मामा जरूर हूं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पाकिस्तानी कलाकारों से देश छोड़ने की चेतावनी के बाद अब पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तय कर लिया है कि वे भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने देंगे। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर ये फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है।